30 रुपये 60 रुपये के हिसाब से आप कहीं भी पहुंच सकते हो एक जगह से दूसरी जगह इंटरसिटी। सच में बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद। ओमान का इकलौता ये पहला ऐसा मॉस्क है जिसमें नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं। हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। तो भाई जैसे कि आप मेरी सीरीज़ देख ही रहे हो, मैं हूँ मस्कट में और ओमान में। यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ करने के लिए, बट आज मैं एक और बहुत अमेजिंग जगह दिखाने वाला हूँ, सुल्तान कुबूस मॉस्क। भाई इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल मॉस्क है, जब आप देखोगे ना आप खुद कह दोगे कि सच में मतलब क्या ही चीज़ बनाई है। बल्कि उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे वहाँ पहुँच के। तो मैं हूँ अभी रूबी एरिया, एक है जो यहाँ के बहुत ही पॉपुलर एरिया, और ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पे यहाँ से बस जाती है, पूरे इंटरसिटी है, बहुत सस्ती बस, मतलब 30 रुपये 60 रुपये के हिसाब से आप कहीं भी पहुँच सकते हो एक जगह से दूसरी जगह इंटरसिटी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगी यहाँ पे। तो अभी हम चलने वाले हैं बस में, यहाँ से चलती है बस नंबर 1 जो जाती है अल अजेवा, जगह का नाम है, मैं लिख भी दूँगा। तो वहाँ से हमें वॉक करके जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। तो चलो इस सफ़र को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर मस्जिद। और हाँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं जा सकते नॉन मुस्लिम, तो भाई जा सकते हैं बिल्कुल, इस मस्जिद में नॉन मुस्लिम जा सकते हैं बट तहजीब से, और लड़कियाँ भी जा सकती हैं बट तहजीब से, ऐसा नहीं कि भाई शॉर्ट्स में उठ के चले गए। मर्दों के लिए भी भाई पूरे कपड़े पहनने ज़रूरी, शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, तो ये ज़रूरी याद रखना भाई। बहुत पाक जगह है, पवित्र जगह है, तो हमें मर्यादा कायम रखनी चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं, ये आ गया बस स्टैंड। तो यहाँ से 1 नंबर बस चलती है जो अल जजीबा जाएगी, जिसकी वजह से 60-70 रुपये होगी फीस, तो देखते हैं चलो। तो भाई ये है 1 नंबर बस जो जाएगी अल अजेबा, हालांकि मैंने आपको बस प्रॉपर दिखाई नहीं, तो आज दिखा देता हूँ। ये है बस, ये देख लो, ये जाएगी अजेबा, अल अजेबा जो जगह है जहाँ हमें जाना है, वहाँ से हमें वॉक करके जाना है। तो पहले वहाँ पहुँच लेते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अल अजेबा, और यहां से करीब 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है ग्रैंड मॉस्क तक जाने का, जो ये मस्जिद मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि चलो उसके इसके बारे में मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। बाकी मुझे अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स लगे रूही से यहां तक आने में बाय बस, और मैंने पे करे 400 पैसा, यानी अप्रॉक्सीमेट 90 रुपीज़ के आसपास मैंने पे करा है यहां तक आने के लिए। हाँ ठीक है, ये मेरे हिसाब से 15-20 किलोमीटर थे, और एज ए ओमान 90 रुपीज़ में यहाँ तक पहुँच गए भाई, और क्या चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो चलो मस्जिद चलता है और मैं आपको दिखाता हूँ, भाई बहुत सुंदर है, अभी मैंने ऑन द वे देखी थी, मज़ा आएगा आपको देखने में। भाई देख लो दूर से ही मस्जिद देखने लग गई, भाई बहुत ही सुंदर है, इतनी मस्त वाइब्स आ रही है देखकर, सच में बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद। खैर इसके बारे में मैं आपको बता के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा वहाँ पे पहुँच के, तो भाई जुड़े रहना वीडियो में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही मस्त मॉस्क। भाई फाइनली 1 किलोमीटर की वॉक करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और अगर आपको गाड़ी लेके आए हो तो गाड़ी की पार्किंग भी यहाँ पे, ये देखो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये पार्किंग भी यहाँ पे फ्री है, आपको पार्किंग के पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे। और मैं भाई बहुत ही मस्त टाइम पे आऊँ, अब है ईद और चल रहा है रमजान, तो भाई पाक महीने में मैं यहाँ आया हूँ देखने, और सच में इतनी मस्त वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही सुंदर है, देखें
उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें। बट मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इसको फील करो, इस मौसम को देखो भाई, बहुत सुंदर है। तो भाई ये है द ग्रैंड मॉस्क ऑफ मस्कट। तो भाई बहुत सुंदर मॉस्क है। बट हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी बज रहा है 12 दिन के, तो मैं 12 बजे आया हूँ यहाँ पे, तो अभी मेरी एंट्री नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि पूरे ओमान का इकलौता ये पहला ऐसा मॉस्क है जिसमें नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं। बट अंदर जाने का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 8 AM to 11 AM। सिर्फ यही टाइमिंग है जिसमें नॉन मुस्लिम अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। बाकी के टाइम पे सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं। जो इसकी टाइमिंग है, ओपन टाइमिंग है, वो है मॉर्निंग 4 AM to 9:30 PM। तो ये इसकी जो टाइमिंग है ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं अंदर से तो देख नहीं पा रहा, बट कोई ना, मैंने बाहर से देख लिया। मैं इसी में बहुत खुश हूँ भाई, इतना सुंदर मॉस्क है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। ओमान में पहले इतने बड़े मस्जिद नहीं हुआ करते थे। 2001 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 1993 में डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे एक ग्रैंड मॉस्क बनाएंगे। इसकी डिज़ाइन अप्रूव हुई और इसको बनने में पूरे 6 साल लगे। 4 मई 2001 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था भाई। बहुत सुंदर मॉस्क बना है, जो वर्ल्ड के टॉप मॉस्क में से एक ही आता है। ये 102 एकड़ में बना हुआ बहुत बड़ा मॉस्क है ये। और यहाँ पे वुमेंस भी अलाउड है ना, बट तहजीब से। मेंस भी आ सकते हैं बिल्कुल तहजीब और तमीज़ से। तो भाई अगर इतनी पास जगह पा रहे हो तो तमीज़ थोड़ा दिखाना बनता है। तो मैंने आपको सिस्टम बता दिया है कैसे यहाँ पे आना है। और ये देखो, आपको एक बिल्डिंग दिखी होगी लंबी सी, तो ये यहाँ की सबसे ऊँची बिल्डिंग में से एक कही जाती है। क्योंकि ओमान एक एंशेंट कंट्री है, तो ये लोग अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्काई क्रैपर्स नहीं है जैसे आपने देखा होगा दुबई, कतर या सऊदी अरेबिया में। बट ये लोग ऐसा नहीं बनाते क्योंकि एंशेंट ही रहना पसंद करते हैं भाई। सच में बहुत सुंदर है, पूरा ओमान बहुत सुंदर है। मस्कट मैंने देखा और आपको पहले भी दिखा दिया मैंने कि वाइट बिल्डिंग बनी हुई है। तो आप ओमान भी आ सकता हो, कोई इतना महंगा नहीं है। इनकी करेंसी हालांकि बहुत ज़्यादा है बट महंगा नहीं है। और इसकी टिकट के बारे में बता दूँ तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे मेन चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि हाँ, नॉन मुस्लिम भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो मुझे सबसे मेन चीज़ लगी इसकी, जो बहुत ही मस्त है। तो भाई फाइनली हमने विजिट कर लिया है द ग्रैंड मॉस्क ऑफ मस्कट और अजान भी शुरू हो गई है। बहुत ही सही टाइम पे करा है भाई, अगर लोग बहुत हैं अच्छे। अभी मैं फ़ोटो खिंचवा रहा था, मतलब मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देख लिया, मैंने फ़ोटो डाली है भाई। मैंने एक को बोला फ़ोटो खींचने के लिए, भाई एक साथ कम से कम खींच दूँगी 20-25 फ़ोटो जिसने, और अलग अलग तरीके, मतलब खुशी खुशी, ऐसे इरीटेट होके नहीं। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं रूई, तो बस बिल्कुल यहाँ बाजू में से ही मिलेगी, वो है आधी किलोमीटर वॉक। जितन जो यहाँ पे जाने की पसंद, आधी किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगी बस। और ये वापस देख लो, ये मॉस्क कितना सुंदर है, ये देखो। तो चलो रूही चलते हैं, उसके बाद में अगली चीज़ है, मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा क्या करने वाला हूँ, और वो आएगी बिल्कुल अगली वीडियो में। हालांकि इस मॉस्क के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी, टाइमिंग से लेके और कब आ सकते हो और कैसे आ सकते हो। ये तो मैं रूही रुका हुआ हूँ, वो मेन बस स्टैंड है, इसलिए मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ। बट आप जहाँ भी होंगे, हर जगह से ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपका कोई ले ओवर है ओमान में, तो भाई एयरपोर्ट से मतलब 15-20 मिनट की डिस्टेंस पर अगर आप कैब लेके भी आओगे तो आप आ सकते हो। टाइमिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, इंस्टाग्राम पर कर लो फॉलो। भाई इतनी धूप में कैसे घूम रहा हूँ भाई, हालत देखो क्या हो गई। हम लोग इतना सपोर्ट कर सकते हो, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।